हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर हमारे मोबाइल में सेटिंग्स ऐप ओपन नहीं हो रहा है तो कैसे इसे 100% ठीक करें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको मोबाइल के देखिए जो सेटिंग वाला ऐप है इस पर कुछ सेकेंड तक टैप करके रखना है, इसे दबा के रखना है 2 से 3 सेकेंड तक। तो यहाँ पर आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन मिल जाएगा, इस ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है या इस प्रकार का लोगो मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप आ जाएंगे। अब आपको स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का एक ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्लियर कैच और क्लियर डेटा का ऑप्शन मिलेगा या क्लियर डेटा का, तो आपको क्लियर डेटा पर क्लिक करना है। ऊपर देखिए शो कर रहा है, थोड़ा हाइड है, आपके फ़ोन में पूरा दिखेगा। तो क्लियर डेटा पे क्लिक करके ओके कर देना है। इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर डेटा हो जाएगा सेटिंग ऐप का। फिर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्स स्टॉप पे क्लिक करना है। फिर देखिए फोर्स स्टॉप पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप आ जाएंगे। अब इतना करने के बाद आप अपने सेटिंग को ओपन करेंगे तो सेटिंग ओपन हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर फिर भी ओपन नहीं हो रहा है तो फिर क्या करना है, अपने मोबाइल के पावर बटन को जिससे मोबाइल को लॉक करते हैं उसे दबा के रखना है कुछ सेकंड के लिए, 4 से 5 सेकंड के लिए। तो वहाँ पर आपको रिबूट या रीस्टार्ट का एक ऑप्शन आएगा, रिबूट या रीस्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर है देखिए रीस्टार्ट का, रिबूट का भी हो सकता है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, आपका फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन होगा। फिर गाइस जो भी प्रॉब्लम रहेगी 100% सही हो जाएगी। फिर आप सेटिंग ऐप को ओपन करेंगे तो सेटिंग ओपन हो जाएगी। और गाइस एक और तरीका है इसे सही करने का, आप ऊपर से नोटिफिकेशन बार को इस तरह स्लाइड करना, अगर नीचे से हो रहा है आपके फ़ोन में तो नीचे से ऊपर की तरह स्लाइड करना। तो आपको यहाँ पर सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको थोड़ा नीचे आ जाना है और यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट या ऐप लिस्ट पर क्लिक करना है, जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं। फिर मैनेज ऐप या ऐप लिस्ट पे क्लिक करना है तो लोडिंग होकर सभी ऐप्स आ जाएंगे। अब आपको सर्च बार में क्लिक करके लिखना है लॉन्चर। तो जैसे लॉन्चर लिखेंगे तो सिस्टम लॉन्चर आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। फिर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज पे क्लिक करना है। फिर आपको क्लियर डेटा और ओके कर देना है। फिर गाइस आपका जो सेटिंग ऐप है 100% ओपन हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, और इस तरह सही कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।